हेलो फोक्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ ट्रिप डायरी। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज मैं हूं दापोली बीच पे। जो रिजॉर्ट है जहां मैं आया हूं वो है सॉल्ट वाटर बीच रिजॉर्ट। अब ये जो जगह है ये पुणे से लगभग 200 किलोमीटर है और मुंबई से लगभग 220 किलोमीटर के आसपास है। एंड इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। पुणे से आने के लिए आपको यहाँ से 4 से 5 घंटा लगता है, तो वीकेंड गेटअवे के लिए ये काफी अच्छी लोकेशन है। सो चलिए हम चलते हैं रिजॉर्ट के अंदर, हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से रूम्स है, यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है। वहीं से हम चलेंगे बीच पे और मैं आपको मिलाऊंगा यहाँ के ओनर से, जो आपको बताएंगे इस रिजॉर्ट की हॉस्पिटैलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। फोक्स, ये है यहाँ का रिसेप्शन। इस साइड जो है ये है पार्किंग एरिया और ये पूरा ही आपका बेसिकली पार्किंग एरिया। और इसके बाद इस तरफ जो है यहाँ से आपके रूम्स चालू होते हैं, मेनली जो डीलक्स रूम्स हैं और मेनली जो डॉर्मिटरीज हैं और टेंट्स हैं वो इस तरफ है, आप देख सकते हैं। आपके पेड़ पौधे मस्त लगे हुए हैं, ग्रीनरी आपको अच्छी मिल जाती है। दीस आर द डॉर्मिटरी रूम्स। उसके बाद है ये टेंट। मैं आज रुकने वाला हूँ टेंट्स में, तो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद अंदर से भी दिखाऊंगा कि कैसे हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है उसका। इस जगह पे आपको आके आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। पीछे साइड भी आप देख सकते हैं। सो फोक्स, अब मैं हूँ एक टेंट के सामने, आप देख सकते हैं थोड़ा एकदम, जिसको शायद रॉयल टेंट्स बोलते हैं, मिलिट्री स्टाइल टेंट्स हैं, मस्त से शाम में लाइट्स वगैरह जल जाती हैं तो और मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपको ओपन स्पेस मिलता है बैठने के लिए। ये है टेंट नंबर 004। चलिए चलते हैं अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त है ये। एक तो येलो लाइटिंग है, ऊपर से जो टेंट है वाइट, अंदर से इंटीरियर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बेड मस्त है एकदम। ये आपको टॉयलेट्रीज मिलती हैं एकदम, आपको शैम्पूज और सोप। देन यू हैव अ स्मॉल टीवी एज वेल। देन आपको पंखा भी मिलता है अगर आप एसी चलाएंगे, क्योंकि गर्मी यहाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। एसी अगर चलता है तो फैन से हवा ब्लो करने के लिए, पूरा सर्कुलेट करने के लिए आपको टेबल फैन मिलता है। देन यू हैव अ चेयर एंड अ स्मॉल टेबल एज वेल। अब ये आप देख लीजिए, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग इनसाइड द टेंट्स, राइट। एक चीज़ तो ये है कि धुआं पकड़ लेगा, आग पकड़ने का खतरा रहता है बिकॉज है तो कपड़े ही। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी भी रूम में यहाँ पे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ रूम में। अगर आप चाहें तो आप बाहर जाके रेस्टोरेंट एरिया में या टेंट वगैरह से बाहर निकल के भी या प्रीमाइसिस में भी ड्रिंक और स्मोक कर सकते हैं, टेंट्स के और रूम के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, फिर आपको बाकी मिलता है यहाँ पे एक कवर्ड, राइट, जो कि ये सब में इनके एक्स्ट्रा गद्दे रखे हुए हैं बिकॉज लोग आते हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप्स वगैरह में आते हैं तो एक्स्ट्रा कुशन वगैरह ले लेते हैं। बाकी ये रहा वॉशरूम। अब वॉशरूम, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा क्लीन होना चाहिए, तो वॉशरूम दोस्तों काफ़ी क्लीन है, आप देख सकते हैं। मेरा शावर, एक छोटा सा गीजर भी मिलता है। एंड देन दिस इज द बेसिन। दोस्तों बेड की बात करूँ तो बेड, जैसा कि मैं हमेशा देखता हूँ कि बेड एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी कमर दुख जाती है। आपकी प्रेफरेंस कुछ अलग हो सकती है, मैं लेकिन ऐसे बेड प्रेफर करता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो एकदम एप्ट है। आज शाम को मेरे को काफ़ी अच्छी नींद आने वाली है इनमें। और जो बाकी जो यहाँ पे रूम्स हैं उसमें भी सब जगह इस तरह के ही कुशन्स हैं। अब एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे नेटवर्क इशू है। जी हाँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है फ़ोन का, विच इज़ गुड इन अ वे बिकॉज आप वीकेंड गेट अवे पे आ रहे हैं, अपने शहर की दौड़ भाग से दूर यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आ रहे हैं बीच पे आराम से, तो आपका फ़ोन ना ही चले तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है तो यहाँ पे वाईफाई है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं दूसरे रूम्स। देखिए ये है डॉर्मेटरी, मैं आपको एक बार यहाँ भी अंदर से दिखा देता हूँ। अभी चप्पल उतार दूँ मैं, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, दो डॉर्म्स हैं यहाँ पे और साफ सफाई अभी थोड़ी सी चल रही है। कि अब ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन मैं ट्रेस पास कर गया उनकी डॉर्मेटरी में। ये है मिस्टर योगेश और वो है मिस्टर प्रशांत। आप लोग यहाँ पुणे से आए, राइट? जी पुणे से। सो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज मैंने तो काफी अच्छे रिव्यू सुने हैं यहाँ के। इससे पहले हमारे जो फ्रेंड थे जी वो इधर विजिट करके गए, उनके रेफरेंस थ्रू इधर आए, उन्होंने बोला अच्छा सर्विस है जी, रूम्स भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है। खाना भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके, तो आप लोग कितने लोग आए अभी यहाँ पर? अभी हम 5 जन है टोटल। अच्छा, अभी आप 5 जन है,
तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अभी 5 लोग हैं तो 3 तो बेड हैं यहाँ पे, ये छोटी वाली डॉर्मेटरी है, इससे बड़ी जो है वो बाजू वाली है, बाकी जो है एक्स्ट्रा बेड तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पे आप लाइन से गद्दा बिछा के एकदम मजा ही जाता होगा एक्चुअली, जब आप ग्रुप में यहाँ पे आएंगे तो आपको ट्रस्ट में यहाँ पे आराम से एंजॉय करने में, ग्रुप एक्सरसाइज करने में काफी मजा आएगा। चलिए हम छोड़ते हैं प्रशांत जी और योगेश जी को, उनको एंजॉय करने देते हैं उनके हिसाब से, और हम चलते हैं बाहर। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा टेंट, यहाँ पे 5 टेंट्स हैं, 2 डॉर्मिटरीज हैं, और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 4 डीलक्स रूम है। तो चलिए मैं आपको डीलक्स रूम दिखाता हूँ अंदर से। हाँ तो ये सबसे पहले देख सकते हैं ये ब्रिक स्टाइल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बिल्कुल राइट ट्रेडिश पूरा, देन एक छोटा सा ओपन एरिया आपको बैठने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे चेयर रख के आप बैठ सकते हैं। फुट मैट, वेल दिस इज ट्रूली लग्जूरियस। ये देखिए आपका बेड है अगेन, लकड़ी का फर्नीचर मस्त आपको यहाँ पे, फिर ये साइड बॉक्स मिलते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा कुशन्स रखे होंगे आप चाहें तो नीचे बिछा के, इस पे ज्यादा लोग आते हैं तो सो सकते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है दोस्तों, और काफी स्पेशियस भी है सबसे बड़ी बात है। देन आपको ये अगेन यहाँ पे लगभग 43 इंच की टीवी मिल जाती है। देखिए आपको मिलता है यहाँ पे कवर्ड राइट, इसमें अगेन पिलो और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, 2-3 लोगों के हिसाब से सफिशियंट है। चलते हैं मेन वॉशरूम देखते हैं कि कैसा है। ये देखिए ये रहा यहाँ का वॉशरूम है, ये टाइल्स भी जो है वो वुडन टेक्सचर के हैं, देन काफी क्लीन है मोस्टली, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा क्लीन होना चाहिए वॉशरूम। देयर इज अ मिरर, देयर आई एम हाय। मैं आपको एक बार फिर से रूम दिखा देता हूँ, ये जो है डीलक्स रूम है और इसका नाम सही भी है कि डीलक्स रूम है ही ये। बेड के पीछे भी आपको लाइट मिलती है अलग से। दोस्तों हमने लगा लिया है क्विक टू रिजॉर्ट का, हमने देख लिया है कि यहाँ पे रूम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। चलते हैं मिलते हैं यहाँ के ओनर अब्दुल्ला काजी जी से और उनसे जानते हैं कि क्या खासियत है इस रिजॉर्ट की जो लोग इतना यहाँ आना पसंद करते हैं। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। सो मेरे साथ है मिस्टर अब्दुल्ला काजी हु इज द ओनर ऑफ सॉल्ट वाटर बीच रिजॉर्ट। सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम आपका भी हमारे सॉल्ट वाटर बीच रिसोर्ट में। जी जी थैंक यू। सो सर मुझे आप ये बताइए कि हॉस्पिटैलिटी में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो लोग इतना इंप्रेस होते हैं आपके रिसोर्ट से बार बार आना पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का एटमोसफियर जी, यहाँ का मतलब जो एक क्लीनलीनेस है जी, और मतलब एक बीच, एक लोगों में एक वो चीज़ होती है ना कि बीच के करीब रहना है जी जी, तो वो चीज़ हमारे इधर सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। मतलब आदमी जब आता है रोड से हमारे अंदर एंट्री करता है हमारे बीच रिसोर्ट पे जी, तो सबसे पहले उसको व्यू दिखता है जी, व्यू दिखने के बाद वो एकदम थोड़ा वो रिलैक्स होता है कि हाँ जो चीज़ उसको चाहिए थी वो मिल रही है जी, वो एक चीज़ उसको भाती है। फिर होता है हमारा खाना, हमारी सर्विस जो हम खुद मतलब हम हमारे कस्टमर को कस्टमर नहीं समझ के हमारे घर का आदमी समझ के उसको सर्विस देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग सर्व करते हैं और वो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा इम्प्रेस कराती है वो चीज़। कूल। तो सर आपने अभी बोला कि खाने के बारे में, हमारी हॉस्पिटैलिटी और खाने के बारे में स्पेसिफिकली, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सिंस दिस इज अ कोंकण रीजन, अब यहाँ पे फिश मार्केट भी है बहुत बड़ा पास में, बराबर है, सो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिशेज हैं जो लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? खाना पसंद मतलब मच्छी का सालन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जी, मच्छी का सालन, मच्छी का फ्राई। और हम लोग हमारे रिसोर्ट पे जी, मतलब कहीं और क्या होता है मुझे पता नहीं, बट मेरे रिसोर्ट में हम लोग हमारे घर के मसाले लेके आते हैं जो हमारे पर्सनल है, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो वो हमारे एक रिसोर्ट को 4 चांद लगा देता है जी जी। और हम लोग जो है सिर्फ कोकनी फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोकनी और मालवनी में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा। मालवनी फूड में खोबरा ज्यादा यूज होता है, कोकनी फूड में ज्यादा मतलब कोकनी फूड में मसा अपना खोबरा ज्यादा यूज नहीं होता। लोगों को ये कंफ्यूज है ना कि कोकनी क्या होता है, मालवनी कोकनी बोलेगा तो मालवनी ही उसको प्रोवाइड करते, मतलब 90% होटल्स में वही होता है कि मालवनी ही उसको दिया जाता है जिसमें खोबरा होता है। ओके। कोकनी फूड में खोबरा कम यूज होता है। एक चीज़ है हम लोग बता के देते कि मालवनी फूड ये है, कोकनी फूड ये। सो दोस्तों खाने के बारे में तो इन्हें बता दिया, टाइम भी हो रहा है लंच का, तो मुझे अब काफ़ी भूख भी लगने लगी जिस हिसाब से इन्हें बताया है कि इतना टेस्टी खाना मिलता है, तो मैं वो भी आपको टेस्ट करके बताऊंगा। सो जैसा कि हम देख रहे थे कि बीच में इतना पास है अब्दुल्ला जी, तो चलिए एक बार बीच पे भी चल के देखते हैं। चलिए और फिर बाकी बातें वहाँ करता है। अच्छा ये गेट से आप बाहर निकल सकते हैं भाई। अच्छा दोस्तों ये देखिए हमने खोला गेट और शोर लाइन जो है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से। 45 यार्ड्स पे जो है यहाँ पे वो इनका जो है हाई टाइड लाइन है राइट।
अब ये जो है ये सालदूरे बीच है, जो सालदूरे बीच है सामने देख रहे हैं ये मुरुड बीच है, ये वाला मुरुड बीच है। हाँ ओके। और ये जो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे जो बोट्स वगैरह सब दिख रही है आपको जी, ये हरनई बीच है, ये हरनई बीच है। ओके। और जो चौथा बीच आप कह रहे थे वो कौन सा? करदे बीच, ये मुरुड के आगे वही है। अच्छा, तो ये सब पूरा एक ही छोर में जुड़ा हुआ है? हाँ, ये कंटिन्यू है, ये पूरे महाराष्ट्र में ये एक बीच ऐसा है जो पूरा 10 किलोमीटर लंबा है। ओ ओके। ये 10 किलोमीटर आप बाय बाइक बाय कार। अच्छा, मैं यहाँ इधर कार भी चला सकता हूँ? चला सकते हैं आप, चला सकते। ओके, तो ये एक अच्छी चीज पता पड़ी दोस्तों, अगर मौका मिला तो हम यहाँ से पूरा लंबा जाके देखेंगे बाइक से या कार से। बाइकर्स तो ज्यादा यहाँ पर आना पसंद करते हैं उनको ड्रिंक। तो सर रूम्स की बात अब रह गई, यहाँ पे जैसे तीन टाइप के रूम्स मैंने देखे, डॉर्मिटरी है और टेंट्स हैं लग्जरी और डिलक्स रूम है। डिलक्स रूम है, तो टैरिफ के बारे में बता दीजिए कि कैसा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डॉर्मिटरी के बारे में जी। डॉर्मिटरी का अभी इस महीने में हम लोग दे रहे हैं 3,500 से 4,000 रुपए में जी, जिसके अंदर डबल बाथरूम है और 12 लोग आ सकते हैं। दूसरा फिर आते हैं डिलक्स रूम में, तो डिलक्स रूम में उसका जो टैरिफ है अभी 2,500 से 3,000 रुपया जी, और टेंट्स का जो है 2,000 से 2,500 रुपया अभी इस महीने में, जो कि पीक आवर्स में पीक टाइम में हमारा जाता है वो टेंट जाते हैं 3,500 तक जी, और डिलक्स रूम 4,000 तक, और जो डॉर्मिट्री वो 5,000 से 5,500 रुपये तक जाता है। ओके। अब इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव का अलग कुछ टैरिफ होता है क्या? हाँ, ब्रेकफास्ट का अलग इंक्लूसिव होता है जी, और ये जो मैंने आपको रेट्स बताए ये विदाउट ब्रेकफास्ट है। अच्छा अच्छा, तो अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव करना चाहें तो वो आप भी प्लान कर सकते। प्लान कर सकते हैं, हम लोग अलग पैकेजेस भी देते हैं, मतलब जैसे अगर आप 10 से 12 लोग हो जी, तो हम एक अलग अलग पैकेजेस देते हैं, मतलब मान लो कि अगर आप फिश लवर हो जी, नॉनवेज में फिश चिकन या वेज हम ये सब पैकेज देते हैं 10 से 12 लोग के लिए, उसमें विद स्टे एंड विद फूड हम लोग देते 2,250 में। ओके। सिर्फ वेज लेते हो तो 1,450 जी, और सिर्फ वेज और चिकन लेते हो तो 1,750 में पर पर्सन के साथ, पर पर्सन के हिसाब से, पर्सन पर नाइट, पर नाइट विद स्टे। उसके अंदर सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, इवनिंग का टी उसमें इंक्लूडेड है, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप भले कितना भी खाने वाले हो जब तक आपका पेट नहीं भरेगा हम आपको खिलाते रहेंगे। कूल। सो दोस्तों ये थे मिस्टर अब्दुल्ला, अगेन ही इज द ओनर ऑफ द सॉल्ट वाटर रिजॉर्ट। अब इनको जाना है, मैंने इनका टाइम लेके इनको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ, तो अब इनको हम करते हैं रवाना और हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे रिजॉर्ट के टूर के साथ। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जी, इट इज वेरी नाइस टू बी हियर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों मैंने आपको दिखाया रिजॉर्ट का टूर लगवाया, अभी आपको पीछे अभी भी वेव्स की आवाज़ आई रही होगी, शाम में आप आराम से यहाँ बैठ के सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ सॉल्ट वाटर बीच रिजॉर्ट। शाम को ये लाइटिंग वगैरह है पूरी जल जाती है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और सनसेट देख दो आप यहाँ आराम से, आप देख सकते हैं जो सी का नज़ारा है, आप आराम से सनसेट देखते हुए यहाँ पर अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये भी है दोस्तों कि सिंस दिस इज़ द कोंकण एरिया, ऑब्वियसली फिश की जो डिशेज हैं वो बहुत पॉपुलर तो है ही यहाँ की, तो अगर आप चाहें, इफ कस्टमर्स वॉन्ट, जो लोग यहाँ पर रुके हैं वो खुद ही यहाँ पे, क्योंकि फिश मार्केट है पास में, वहाँ से फिश लेके आते हैं और किलो के हिसाब से यहाँ से आपको वो प्रिपेयर करके भी दी जाती है, मस्त कुछ ना देख सकते हैं। कुछ जो कस्टमर्स हैं अभी फिश लेके आए हैं बाहर से, अब ये उनके लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। दिस इज द वेइंग स्केल, इसमें आपको रख के किलो के हिसाब से ये फिश प्रिपेयर करके दी जाती है। फोक्स लंच टाइम हो चुका है, मैं आपको जल्दी से खाना दिखा देता हूँ। ये थी पॉम्पलेट फिश, दिस इज प्रॉन्स करी, ये है चावल की रोटी, ये आप जरूर ट्राई करिएगा, देन ये नॉर्मल चपाती, ये है पनीर मसाला। अब मैं आपको जूम इन करके वेज खाना स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, ये है दाल तड़का, जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा वेज खाना मिलेगा। ये रहा मेरा व्यू रेस्टोरेंट से जहाँ से बैठ के खाना खा रहा था, और जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि यूजुअली क्या कोंकण साइड में नॉन वेज फूड तो आपको एक्सपेक्टेड रहता है कि ये तो मस्त मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वेज फूड था ट्रस्ट में इतना शानदार वेज फूड बहुत ही कम रेस्टोरेंट में, इवन आप पुणे की बात कर दो वहाँ पे मैंने बहुत ही कम रेस्टोरेंट में खाया होगा, क्योंकि राइस भी आ चुका है और मेरी थाली लग चुकी है, मैं फटाफट खाना शुरू करूँगा। और ये इतना सही खाना था, जैसे कि मैं बोल रहा था कि रात में भी मैंने सेम ही डिशेज ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं अब दूसरा कुछ ट्राई करने का मन ही नहीं किया, मुझे लगा कि एक दिन रुकना है तो ये और खा लिया जाए जितना हो सके, तो इसलिए चलिए अब मैं खाता हूँ खाना, उसके बाद दूसरी टेबल पर और लोग भी हैं जिनको भी खाना बड़ा शानदार लगा था, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि इनको कैसा लगा।
बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। कहाँ से आए हो? पुणे से। आपको इसके बारे में पता कैसे पड़ा? एक्चुअली हमने नेट पर सर्च किया था इसके बारे में। क्या ऑर्डर किया आपने? फिर हमने प्रॉन्स और पापलेट ऑर्डर किया। सही है, ग्रेवी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मेरे पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। मैंने अभी तो कम किया है, कर चुका पूरे। बहुत अच्छा है, मैंने जो नेट पे देखा था ना, मैंने देखा था। अच्छा, बहुत अच्छा है। आपका नाम? सी साल रंजित। रंजित, बहुत अच्छा है, हम आ सकते इधर हर वीकेंड पे। खाना हो गया ख़त्म, बहुत सारा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। हम लोग दोनों खाना खा गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला था। थकान आपको मेरे चेहरे पे दिख ही रही होगी। पानी की बॉटल ले ली, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए थोड़ी देर। नॉट एग्जैक्टली सोना, एक कैट नैप लूँगा 15 से 20 मिनट की। उसके बाद शाम में आपसे मिलता हूँ और शाम को आपको सनसेट दिखाता हूँ और हम देखते हैं जगह शाम में कैसी दिखती है। ट्रिप डायरी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ और देखिए वीडियो को अंत तक, मज़ा आने वाला है आपको। तो फोक्स, आप देख चुके हैं, हमने दिन में देखा था ये रिजॉर्ट, तब तो आपको मज़ा आ ही रहा था। अब देखिए रात में सारी लाइट्स जल चुकी हैं, तो ये जो डीलक्स सेट्स हैं बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो रात में भी यहाँ आप काफ़ी अच्छे से एकदम इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी शांति है। वो जो ओपन एरिया है वहाँ पे डिनर टेबल लगा दी जाती है, कैंडल लाइट डिनर होता है। और अगर आपको चाहिए तो ये लोग कैंप फायर वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करें तो। चलिए हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि रात में कैसा दिखता है। मुझे तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एकदम लग रहा है दिवाली, दिवाली मनी हुई है बिल्कुल। ऐसी जगह पे आपको आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स तो हो ही जाते हैं। और बेसिकली मेन चीज जो मेरे को पसंद आई वो है शांति। आप आराम से यहाँ पे एकदम पीसफुली बीच के बाजू में बैठ के वेव्स का साउंड सुनते हुए एंजॉय करते हुए आराम से खाना पीना खा के मस्त सो सकते हैं। और आप ग्रुप में आए हैं तो बात ही क्या, फिर तो जो बातें होती हैं ऐसी जगहों पे, मतलब इतना माहौल बनता है जिसको कहते हैं, मज़ा ही आता है एकदम। जोक्स वगैरह चलते हैं रात भर, लोग अपने अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसमें मज़ा आ जाता है। तो ये था रात का व्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, मैं अभी सो के उठ के फ्रेश अप हो गया हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ बीच पे। अब मैं जा रहा हूँ डॉल्फिन्स देखने के लिए। यहाँ पे आपको बोट से लेके जाया जाता है डॉल्फिन्स दिखाने के लिए, हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है। यू कैन नेगोशिएट विद देम, कई बार वो 150 रुपये पर हेड या 100 रुपये पर हेड या फिर 200 रुपये पर हेड लेता है। मैं आपको फिर से बता दूँ, वो रहा मेरा रिजॉर्ट इतना। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक गीला है नीचे अभी, तो रात में हाई टाइड्स का पानी यहाँ तक आया था और अभी आपको समुद्र जो है वो वहाँ दिखाई दे रहा है। सो और एक चीज़ और कि आपको देखिए अभी सनराइज हो रहा है वहाँ से, तो काफ़ी ऑरेंज ऑरेंज था, बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ जो बोट वाले हैं उनके पास, और फिर वहाँ अगर सब कुछ ठीक रहा और हमको दिखती हैं डॉल्फिन्स तो वो भी शूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सबने लाइफ जैकेट्स पहन ली थी और हम लोग तैयार थे डॉल्फिन्स देखने के लिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब थोड़ा और दिन चढ़ता है या कि 9 या 10 बज जाते हैं तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बनाना राइड और जेट स्की और बम्पर राइड और मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम हेयर ओनली। तो ये देखिए अब हम लोगों को दोस्तों एक्चुअली बताऊँ, इस पॉइंट पे जाके डॉल्फिन्स दिखनी चाहिए थी। जो बोट ड्राइव कर रहे थे उन्होंने बताया कि कल जो था यहाँ पे लगभग 25 डॉल्फिन्स का ग्रुप था जो आजू बाजू आपको दिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को दिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सप्लोर करते हुए और आगे तक गए और साइड में जो हरनई बीच था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि हम लोग थे साल्डूरे बीच पर, राइट साइड में हरनई बीच है, हम लोग वहाँ तक गए थे। अभी आपको शिपिंग बोट्स भी दिखेंगी, लेकिन फिर भी हमको डॉल्फिन्स नज़र नहीं आई। तो अनफॉर्चुनेटली हमको खाली हाथ वापस आना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगे नहीं,
आप यहाँ आए तो ये डॉल्फिन देखने के लिए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी आपकी किस्मत अच्छी रही तो डेफिनेटली आपको पूरा डॉल्फिन का बंच, आपको पूरा डॉल्फिन का ग्रुप, बंच नहीं रहा ग्रुप्स दिखाई ही देगा। सो फोक्स, ये था सॉल्ट वाटर रिजॉर्ट जो कि है दापोली में। सो मैं कल सुबह यहाँ आया था, मैंने आपको दिखाया कि रिजॉर्ट कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से रूम्स हैं, उसका टैरिफ क्या है, खाना कैसा है, इवनिंग में हमने सनसेट वगैरह भी देखा। और उसके बाद आज सुबह हम गए थे डॉल्फिन देखने के लिए डॉल्फिन व्यू पॉइंट पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमको डॉल्फिन्स नज़र नहीं आई होती बिकॉज दीज आर नॉट द पेट डॉल्फिन्स, ये जो थी वाइल्ड डॉल्फिन्स होती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन देम, कभी वो बंचेस में एकदम 25 या 30 भी एक साथ आ जाते हैं, या फिर एट टाइम्स इफ़ यू have a tough luck you cannot see any of them। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप अपनी अगली ट्रिप यहाँ का प्लान कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप ट्रिप डायरी के आगे के कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें। ट्रिप डायरी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह पर एक नई ट्रिप प्लान करते हुए। थैंक यू।